देखना है अपने सेकंड घर को, आपको अपने D1 चार्ट में देखना है लड़कों को क्या देखना है, शुक्र देखना है, और लड़कियों को क्या देखना है, जुपिटर देखना है, कि मीटिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए D1 पर चार्ट होता है। साथ ही साथ आपने D1 चार्ट के साथ D9 चार्ट को भी देखना है, क्योंकि D9 चार्ट एक बहुत बड़ा खेल प्रेजेंट करता है। अगर वीनस और जुपिटर यहाँ प्रेजेंट है, लड़कों के लिए देखना है लड़कों के चार्ट में, लड़कियों के लिए लड़कियों के चार्ट में देखना है, और इसको यहीं पे होल्ड कर देना, ये कंडीशन तो थ्रू होगी होगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो घर होता है ये वॉइस का होता है, सॉफ्ट वॉइस का होता है, अर्निंग्स का होता है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का होता है। तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ फैमिली कब होती है, जब कोई बिचौलिया बीच में आता है, कहीं ना कहीं आप कहीं पे सॉफ्ट बातें करते हैं तब चीज़ें आती हैं, और ऐसे लोगों से जिनके साथ आप फैमिली मेंबर से उनके साथ ही सॉफ्ट बातें करेंगे, पैसे से रिलेटेड बातें करेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो होंगे वो मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस का बनेंगे, इनके थ्रू आप बन सकते हैं। अब इस चीज़ को तो आप गांठ बांध करके नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको D9 चार्ट में देखना है, क्योंकि D9 चार्ट में इवेंट में थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा बट इसके साथ ये पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर D9 चार्ट में वेनस लड़कियों के लिए जुपिटर लग्न में प्रेजेंट है, तो आप अपनी कास्ट से स्पाउस ढूंढ सकते हैं। वेनस जुपिटर द्वितीय भाव में, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि आपके फैमिली मेंबर्स के नोन थ्रू और फ्रेंड्स के थ्रू आपका पार्टनर मिलेगा। साथ ही साथ ये युति अगर आपकी थर्ड हाउस में हो, तो आपके छोटे भाई बहनों या कोई कोर्स आप कर रहे हैं, आपके नेबर्स के थ्रू, आपके सिबलिंग्स के थ्रू आपके स्पाउस से जान पहचान होगी। फोर्थ हाउस माता का होता है और कहीं ना कहीं चाचा का होता है, आपके प्राइमरी एजुकेशन का होता है, तो इनके थ्रू भी आपके मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस होगा। फिफ्थ हाउस जो होता है ये कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का होता है, मूवीज़ का होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का होता है, तो आपका स्पाउस लड़कों को देखना है अपना, क्या उनका शुक्र प्रेजेंट है फिफ्थ हाउस में, लड़कियों को देखना है क्या उनका बृहस्पति प्रेजेंट है फिफ्थ हाउस में, अपने अपने चार्ट में देखना है, ये कंडीशन तो होल्ड होनी ही चाहिए। चलिए, अगर फिफ्थ हाउस में प्रेजेंट है, इस केस में आपका जो स्पाउस के थ्रू जो मीटिंग है वो चैट करते वक्त, चाहे वो फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट कर रहे हैं, ट्विटर पे चैट कर रहे हैं, वहाँ से आपकी मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस होती हुई दिख रही है। उसके बाद छठा भाव जो होता है हमारे दुश्मनों का होता है, कोर्ट का होता है, न्याय का होता है, न्यायपालिका से होता है। अगर वीनस और जुपिटर आप दोनों के केस में, लड़कों के लिए वीनस और लड़कियों के लिए जुपिटर सिक्स्थ हाउस में प्रेजेंट हैं, हमारी डेली हॉबीज़ का भी यही घर होता है, तो इनके माध्यम के थ्रू आपको स्पाउस मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर वीनस और जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कंडीशन ये होल्ड हो रही है, ये वेडिंग एनिवर्सरी में किसी भी आपके फादर साहब, आपके माता जी के दोस्तों के बच्चों की शादी में आपके मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस हो सकता है। आइए अष्टम भाव में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप ज्योतिष घर वैद्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे फ्री में भी रिप्लाई आपको मिलेगा 15 से 25 दिनों पे। कंडीशन यही है, अपना चार्ट शेयर करें और धैर्य बनाएं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे फ़ायदा यही होगा, जितनी वीडियोस आ रही हैं हर प्लेटफॉर्म पर आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाएगा। आइए अष्टम भाव में प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे ऐसे मित्र जिनसे मुलाकात बहुत कम होती है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं ऐसे लोग, या जो अच्छी गुण विद्या में जो ऐसे लोग PhD से रिलेटेड हैं, डॉक्टर से रिलेटेड हैं, उनके थ्रू हमारे स्पाउस की मीटिंग पॉइंट होती है। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का भाव होता है, कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नी का भाव होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भाव होता है, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का होता है, और कहीं ना कहीं धर्म को भी यही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग जिनका धर्म में इंटरेस्ट है और जो छोटी मोटी NRI यात्रा कर चुके हैं, उनके थ्रू भी आपके स्पाउस के थ्रू मीटिंग हो सकती है। कर्म का भाव 10वां, पिता का भाव 10वां डेफिनेटली यहाँ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके मैरिज के लिए। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, आपकी सोशल गैदरिंग का होता है, कोई पार्टी आप घर पे कर रहे हैं, उनके थ्रू आपकी मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस होता है। 12वां भाव ये धर्म का होता है, स्पिरिचुअल गुरुज का होता है, विदेश यात्रा का होता है, अस्पताल का होता है, ऐसी जगहों से, ऐसे पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। कब होगी? जुपिटर का जब ट्रांजिशन या तो सेकंड हाउस में हो, या फिर जुपिटर का ट्रांजिशन इनमें से उन घरों में हो जहां पे वीनस प्रेजेंट है। अब ये ट्रांजिशन कैसे प्रेजेंट हो पता लगेगा, ये आप हमारी वेबसाइट से
और हमारी ऐप में या ऑनलाइन कहीं भी पंचांग को चेक कर सकते हैं कि वीनस किस महीने में कहाँ पे चल रहा है। सेम जुपिटर भी आपको उसी तरीके से देखना है, तो वो आपकी टाइमिंग होगी और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस आपकी कम होगी। सिंपल वीडियो है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, लड़कों के लिए आपने शुक्र देखना है, लड़कियों के लिए जुपिटर देखना है। पहले केस में D1 चार्ट, लग्न चार्ट में देखना किस घर में प्रेजेंट है, उसके बाद उस चीज़ को वहीं पर नोट कर लेना है। D9 चार्ट में आना है, D9 चार्ट में देखना किस घर में प्रेजेंट है, उस घर को भी पिक्चर में लेके आना है। उन दोनों D1 और D9 को कंबाइन करना, आपका आंसर होगा आपके सामने आपका मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पाउस के लिए। तो आज मैं यहाँ पे समापन चाहूँगा। नमस्कार, जय माता दी।